नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बिहार के घोड़ा सहन जिला मोतिहारी के 8 सदस्यों वाली शातिर गैंग गिरफ्तार। थाना शहर कोतवाली और यशोधर्मन नगर थाने की संयुक्त कार्यवाही। जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर आज पुलिस अधीक्षक श्री विवेक अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। विवेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 तारीख की रात को 2 बजे मंदसौर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में थाना शहर कोतवाली और यशोधर्मन नगर थाने में संयुक्त कार्यवाही करते हुए बिहार के घोड़ा सहन जिला मोतिहारी के 8 लोगों की शातिर गैंग को पकड़ा, जिसके देश भर के कई राज्यों में अपराध दर्ज हैं। इस गैंग का थाना शहर कोतवाली में पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें अपराध क्रमांक 172/19, धारा 457-380 भारतीय दंड विधान। इसके अलावा देश के कई राज्यों में जैसे नई दिल्ली, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, नाड़ियाल गुजरात, सिविल लाइन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हबीबगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, मोतिहारी बिहार, उड़ीसा नेपाल और अन्य भी। पकड़े गए अपराधियों के नाम मनोज गिरी, पिता मथुरा गिरी, उम्र 35 वर्ष, निवासी बिजवनी थाना जिला मोतिहारी बिहार। रंजीत, पिता महेंद्र मुखिया, उम्र 28 वर्ष, निवासी गांव बाकुनिया थाना नतोड़ा जिला सहरसा बिहार। सलीम आलम, पिता प्याजी दुबे, मुसलमान, उम्र 32 वर्ष, निवासी हसन मोहल्ला घोड़ा सहन जिला मोतिहार बिहार। अजय, पिता महेंद्र चौधरी, उम्र 35 वर्ष, निवासी जानकी रिंगा रोड सीतामढ़ी बिहार। जावेद आलम, पिता अफजल हुसैनी दर्जी, मुसलमान, उम्र 21 वर्ष, निवासी आठा मोहन थाना झरोखर जिला मोतिहार बिहार। रहमत, पिता कलाम मंसूरी, मुसलमान, उम्र 36 वर्ष, निवासी पिपराही थाना रीगा जिला सीतामढ़ी बिहार। मिंटू उर्फ पिंटू, पिता देवीकांत ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, निवासी बिसुनपुर थाना झरोखर जिला मोतिहार बिहार। रुस्तम आलम, पिता केमुद्दीन, मुसलमान, उम्र 36 वर्ष, निवासी हसन नगर घोड़ा सहन जिला मोतिहार बिहार। इस सराहनीय कार्य को करने में इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। निरीक्षक नरेंद्र यादव, उप निरीक्षक अमित सिंह कुशवाहा, उप निरीक्षक विनोद शंकर यादव, सहायक उप निरीक्षक संजय प्रताप सिंह, सहायक उप निरीक्षक प्रेम सिंह हतीला, प्रधान आरक्षक 587 अजय चौहान, 343 कैलाश बघेल, आरक्षक 630 गिरीश सिंह, आरक्षक 127 यादवेंद्र सिंह, आरक्षक 236 भानु प्रताप सिंह, आरक्षक 530 शैलेंद्र सिंह, आरक्षक 714 नीरज, आरक्षक जुझार सिंह, आरक्षक 67 उमंग शर्मा, आरक्षक 179 नवनीत उपाध्याय, आरक्षक 243 राजेश शर्मा, आरक्षक 639 आशीष बैरागी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विगत माह मंदसौर में एक गंभीर चोरी की वारदात घटित हुई थी, जिसके बारे में इनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा उस घटना को भी अंजाम देना स्वीकार किया गया है। इसका पुलिस रिमांड लेकर हम पूछताछ कर रहे हैं और इसमें जो माल चोरी हुआ था उसको भी हम इसमें जब्त करेंगे। IMI नंबर से ट्रेस हो जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बाहर ले जाके बेचते थे, उस वजह से ट्रेस नहीं हो पाते थे, महंगे मोबाइलों पर इनकी नज़र रहती है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से ऑपरेट करने वाली गैंग है और इनके द्वारा न सिर्फ अंतर्राज्यीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चोरी गए माल को खपाने का प्रयास किया जाता था और इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इनसे पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार ये लोग बिहार राज्य से लगे हुए नेपाल की सीमा से पार जाकर ऐसे चोरी के माल को अथवा लूट में पाए गए माल को खपाते थे, इसलिए ऐसे मामलों को ट्रेस करने में पुलिस को अमूमन मुश्किलें भी आती हैं। इस मामले में पुलिस ने इन सभी आरोपियों से जो पूछताछ में बातें सामने आई हैं घटनाक्रम को खुलासा करने में सफलता प्राप्त की। खबर समय जगत के लिए मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।